से हैं विभू आर्ट चैनल पे, तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ आर्ट की, तो इसमें मेरा जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो आर्ट्स अपने आप बनाता हूँ कुछ, और कुछ बेनाई मैप से या कुछ मिक्स किट से उठा के डालता हूँ आर्ट्स। तो गाइस, मैं आर्ट किस किन 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 चीज़ों का यूज़ करता हूँ तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये मतलब जो मैं आइटम का यूज़ करता हूँ, तो देखिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं इनका कलरों का यूज़ मैं बहुत ही कम करता हूँ ड्राइंग बनाने में। और सबसे ज़्यादा तो ये कलर मैं कभी कभार में यूज़ करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम पेंसिलों पे बात आते हैं, शेडिंग पे। शेडिंग के लिए मैं ये 10B यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क चलती है। 10B यूज़ करने के बाद जब हल्की फुल्की मैं शेडिंग करता हूँ, तो ये मैं 4B यूज़ करता हूँ ड्राइंग अप्सरा की। और वैसे नॉर्मल बनाने के लिए तो ये अप्सरा की प्लेटिनम खाती हूँ। और ये इरेजर जो कभी कभार यूज़ होती है इससे ज़्यादा। बाकी अब मैं जैसे स्केच से कोई चीज़ बनानी होती है, तो मैं वैसे तो ये ब्लू कलर का मार्कर यूज़ करता हूँ बहुत कम से कम। और ज़्यादातर मैं टायर या किसी के बाल कलर करने में ब्लैक कलर इसका यूज़ करता हूँ, और वैसे तो नॉर्मली स्केच। तो गाइस, इतने मेरे पास ड्राइंग का आइटम है। तो वैसे ज़्यादातर मैं बनाने के लिए इस ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल करता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ये देखिए, ब्लैक पेन ज़्यादातर मेरे पास रहता है, इसी से ज़्यादातर मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ज़्यादातर ड्राइंग इसी तरह। तो ये गाइस मेरा आइटम है। बिगिनर्स को हमेशा शेडिंग, कोई डार्क पेंसिल से शुरुआत नहीं करनी है। बिगिनर्स को शेडिंग के लिए हमेशा नॉर्मल पेंसिल का पहले यूज़ करना है, फिर अगर वो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड हो रहे हैं तब वो 4B का इस्तेमाल करके उसके बाद फिर 10B का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वीडियोस लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय।